अगर आप WhatsApp के अंदर वीडियो कॉल है या ऑडियो कॉल है या फिर किसी भी प्रकार के जो नोटिफिकेशंस हैं, किसी भी प्रकार के साउंड को आप बंद करना चाहते हैं, तो यहाँ पे सबसे पहले आपको अपने मोबाइल की जो सेटिंग है इसके अंदर जाना है, और इसके अंदर जाने के बाद यहाँ पर आपको सर्च करना है ऐप। और जब अब आप ये ऐप को सर्च करते हैं तो यहाँ पे ऐप के नाम से सेटिंग मिल जाती है, तो आपको इस पर क्लिक करना है। और इसके बाद यहाँ पे आपको मिलता है मैनेज ऐप, तो आपको इस पर क्लिक करना है। अब इसके बाद यहाँ पे आपको सर्च करना है WhatsApp, और WhatsApp सर्च करने के बाद यहाँ पे आपको WhatsApp मिल जाता है, तो आपको इस पर क्लिक करना है। अब इसके बाद यहाँ पे आपको नीचे आना है और यहाँ पे मिलता है नोटिफिकेशंस, तो आपको इस पर क्लिक करना है। अब इसके बाद यदि आप अपने कॉल के जो भी साउंड है उन सभी को बंद करना चाहते हैं, तो यहाँ पे आपको साइलेंट नोटिफिकेशंस मिल जाता है, आप इसको बंद कर सकते हैं। और कॉल नोटिफिकेशंस बंद करना चाहते हैं तो आप इसको भी बंद कर सकते हैं, परंतु यदि आप अपना जो WhatsApp है इसको आप पर्सनली या फिर सिक्योर से यूज करना चाहते हैं, तो यहाँ पर आपको 100 नोटिफिकेशंस मिलता है। आप यदि इसको बंद करते हैं तो आपको WhatsApp पर जितने भी मिलने वाले नोटिफिकेशंस है वो सब कुछ बंद हो जाते हैं। फिर यदि आप अपने WhatsApp को केवल खोलते हैं तभी आपको पता चलता है कि आपको किसी का कॉल या मैसेज आया है या नहीं। तो इस प्रकार से आप उन सभी को एक साथ में बंद करना चाहते तो यहाँ से आप 100 नोटिफिकेशंस को बंद कर सकते हैं, और यदि आप एक एक बंद करना चाहते तो आप यहाँ पे एक एक पढ़कर भी इनको बंद कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और इस प्रकार के और भी वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। थैंक यू।